हेलो गाइस, बाइट का टेस्ट किचन में आपका स्वागत है। गाइस, आज मैं आपके लिए वाइट सॉस पास्ता मैक्रोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, और वो भी बिना वाइट सॉस का यूज़ किए। इस पास्ता मैक्रोनी में हम चीज़ और मेयोनीज का यूज़ करेंगे। चीज़ और मेयोनीज के साथ पास्ता मैक्रोनी का टेस्ट चार गुना और बढ़ाएंगे। और गाइस, ये रेसिपी ओनली 5 मिनट में रेडी होगी, और इसका टेस्ट भी इतना लाजवाब आएगा कि आपके बच्चे हर रोज़ इस चीज़ मेयोनीज वाली पास्ता मैक्रोनी की डिमांड करेंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की ये रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले अच्छे से इंग्रेडिएंट्स को नोट कर लीजिए। सबसे पहले आप एक पैकेट पास्ता मैक्रोनी लें, छोटा पैकेट नूडल मसाला या मैगी मसाला ले सकते हैं, काली मिर्च और काला नमक टेस्ट के अनुसार, चीज़ स्लाइस एक या दो, दो बड़े चम्मच मेयोनीज, गार्निशिंग के लिए फ्रेश धनिया या चिली फ्लेक्स ले सकते हैं। सबसे पहले गैस या इंडक्शन को ऑन करें और बड़े बाउल में एक गिलास पानी डालें। पानी को अच्छे से गर्म करें। पानी में उबाल आने पर आधा छोटा चम्मच नमक डालें और आधा छोटा चम्मच सरसों का तेल डालें, और अच्छे से सरसों का तेल और नमक गर्म पानी में मिक्स करें। एक पैकेट गर्म पानी में पास्ता मैक्रोनी का डालें और अच्छे से 1 से 2 मिनट तक पकाएं। मैक्रोनी का पानी अच्छे से सूखने दें और 80% तक मैक्रोनी को पानी में पकाएं। मैक्रोनी हमारी 80% तक पक चुकी है, और इसे हम अलग से स्ट्रेनर में नहीं डालेंगे। गैस ऑन करते हुए कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच सरसों का तेल डालें और अच्छे से गर्म करें। गैस का फ्लेम कम करें और धीमी आंच पर अच्छे से 80% पकी हुई मैक्रोनी को गर्म तेल में डालें। मैक्रोनी को तेल में अच्छे से मिक्स करें। गैस का फ्लेम कम ही रखें। मैक्रोनी को अच्छे से चलाते रहें। अपने टेस्ट के अनुसार काली मिर्च, काला नमक डालें। आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। सभी मसालों को डालते हुए अच्छे से मैक्रोनी में मिक्स करें। मैक्रोनी में नूडल मसाला डालें, आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। इसका टेस्ट मैक्रोनी में बहुत अच्छा आता है। अच्छे से मिक्स करें। मसाले हमारे अच्छे से मैक्रोनी में मिक्स हो चुके हैं। अब लास्ट में गैस को बंद करें और धीरे धीरे करके मेयोनीज ऐड करें। मेयोनीज को डालते हुए मैक्रोनी में अच्छे से मिक्स करें। मेयोनीज हमारी वाइट सॉस का काम करेगी, और इसका टेस्ट भी वाइट सॉस से अधिक आएगा। 1 चम्मच मेयोनीज और ऐड करें और अच्छे से मैक्रोनी में मिक्स करें। सो गाइस, हमारी पास्ता मैक्रोनी रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। मेयोनीज को अलग बाउल में सर्व करें।
मैक्रोनी को फ्रेश धनिया और चीज स्लाइस और चिली फ्लेक्स के साथ गार्निश करें। अगर गाइस आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल वाइट का टेस्ट किचन को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें ताकि आपको वाइट का टेस्ट किचन की लॉन्ग और शॉर्ट्स वीडियोस की डेली अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।